विकास की तलाश करते करते आज हम पहुंच गए हैं गाजीपुर जनपद के मनिहारी विकास खंड अंतर्गत मलिकपुरा गांव में। यह गांव कभी गांधी ग्राम भी हुआ करता था। गांव में काफ़ी विकास हुआ, हर जाति वर्ग के लोग इस गांव में निवास करते हैं। दो दिन और बचे हैं, मात्र दो दिन में ही पूरा जनपद ODF घोषित हो जाएगा, यानी खुले में शौच करने कोई नहीं जाएगा। सभी के पास स्तरीय शौचालय होंगे और सभी लोग उस शौचालय का प्रयोग करेंगे, ऐसा कह दिया गया है। बड़े बड़े इश्तहार लगाए गए, बड़े बड़े प्रचार हुए, होर्डिंग लगी, समाचार पत्रों में भी विज्ञापन छपा। और आज हम बताने जा रहे हैं, 30 तारीख है, दो दिन में ODF हो जाएगा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। चलिए हम मलिकपुरा गांव में हैं, शुरुआत करते हैं। यह एक विकलांग व्यक्ति हैं, आप देख रहे हैं, थोड़ा दोनों हाथ उठाइए। यह बायां हाथ इनका नहीं उठेगा और बायां पैर, एक बार खड़ा होइए, प्रयास करिए खड़ा होने का। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो यथार्थ है उसे आप देख रहे हैं, दो कदम चलिए। क्या नाम है आपका? रामदेव। रामदेव जी को शौचालय अभी तक नहीं बना है, रामदेव जी भी विकलांग है और इनके लड़के 80% विकलांग है। क्या नाम है आपके लड़के का? रामजस। अब आप बैठ जाइए, जहाँ आप थे वहीं बैठ जाइए। देखिए, एक और माता जी हैं हमारे बीच, यह भी विकलांग हैं, शौचालय इन्हें भी नहीं बना है। क्या नाम है आपका? उगंती देवी। आप खड़ा हो सकती हैं अपने से? चलिए बैठ ही रहिए, अभी विकलांगता की शिकार है, इनको भी नहीं मिला है। यह विधवा है। माता जी आपका नाम? लक्षणी देवी है। यह विधवा लंबे समय से है, आज तक विधवा पेंशन इन्हें नहीं मिला। एक विधवा और है, आपका नाम? अतवारी देवी। रविवार को जो पैदा होते हैं उनको अतवारी देवी, ऐसे जो मूल में पैदा होते हैं उनका नाम मुराहू रख दिया जाता है, मुराही रख दिया जाता है। ऐसे ही शनिचरी, अतवारी, मंगरी, ऐसे नाम पहले रखे जाते थे, अब वो समय खत्म हो गया। यह पुरानी चीज़ें भी मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे नाम रखे जाते हैं। देखिए अभी विधवा है। आपका नाम? मंजू देवी। कितना दिन पहले दिवंगत हो गए थे? 2 साल पहले। यह इन्हें भी आज तक पेंशन नहीं मिला, मंजू देवी को। और देखिए इन लोगों को भी शौचालय नहीं मिला है ना? नहीं मिला ला, सौ, मैं देख पड़ा है, शौचालय नहीं मिला है। आपकी माताजी विधवा है, वो अभी माताजी विधवा है। क्या नाम है उनका? केसरी देवी। यहाँ जितने लोग हैं अधिकांश लोगों को शौचालय का लाभ नहीं मिला है, आपको भी शौचालय आपका भी नहीं बना है। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपका भी नहीं बना है, अधिकांश लोगों के मकान एकदम ध्वस्त हो गया। अच्छा चलिए, अब मकान कैसे हैं हम इसको भी दिखाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ की झोपड़ी, यहाँ के मकान। चलिए, आपको कैसा लग रहा है? बांस का झुरमुट, और इधर देखिए नीम का पेड़ है, यह अमरूद है, बेल है, यह सब आपको अच्छा लग रहा होगा। अगल बगल धान की खेती है, लहलहाते खेत है, सूखा पड़ गया है, और यह देखिए बांस का झुरमुट। आइए झुरमुट दिखाते हैं। यह बांस, मोदी जी बंबू लगाने की बात करते हैं। यहाँ एक झोपड़ी है जिसे आप देख रहे हैं, अब इन झोपड़ियों का भी अवसान हो गया है, गरीब परिवारों में ही इस तरह की झोपड़ियाँ हैं। आइए फिर आगे भी हम एक दो झोपड़ी आपको दिखाते हैं। यह बांस के झुरमुट को देखते हुए, इससे लाठी लोग बनाते थे, बांस से जो यह चारपाई देख रहे हैं आप, यह चारपाई में जो पाटी और सिरई लगा है और गोड़ा, यह जो इसके बांस का ही है, सुतली नहीं, बगई से बिना बुनाई इसकी हो गई है। यह बांस है, देखिए, कहा जाता है कि यह बिच्छू और बांस, केला बिच्छू बांस, अपने जन्मले अपने नाश। अब जैसे यह निकल गया है, यह बांस का करेल है, यह नया बांस अभी जन्म ले रहा है, तो इस बांस को ख़त्म कर देगा, बगल वाला बांस ख़त्म हो जाएगा। बिच्छू के पेट से जब बच्चा निकलेगा तो बिच्छू मर जाएगा, और ऐसे ही केला के बगल में जो केला निकलेगा तो अभी ख़त्म हो जाएगा, अथवा जिस केले ने फल दे दिया है वह समाप्त हो जाएगा।
आइए देखिए झोपड़ी है, झोपड़ी दिखाते हुए मैं चल रहा हूँ। और यही लोगों का आवास है, यह दलित बस्ती है, यहाँ भी किसी का शयन कक्ष है। यहाँ पुआल डाला गया है और पुआल पर यहाँ सोते हैं। ऊपर से सरपत है, सरपत के ऊपर एक पॉलीथीन का डाल दिया गया है। और यह जीवन है साहब, करोड़ों रुपए वैसे खर्च करके यह सुख तो नहीं मिल सकता जिस सुख को मैं ले रहा हूँ। यद्यपि की मच्छर काटते होंगे, साफ सफाई बहुत बेजोड़ काटते हैं। यद्यपि अच्छा पहले बांस के पास चुड़ैल रहती थी, रहती थी पता नहीं बताते हैं क्यों। आप लोग सुने हैं चुड़ैल को कभी? इन लोगों से पूछिए, चुड़ैल कभी कोई देखा है? नहीं। अच्छा, बांस के नीचे पहले चुड़ैल रहती थी और झाड़ फूंक में लोग अधिक विश्वास करते थे। अब वो चीजें खत्म हो गई है ना, अब झाड़ फूंक उतना नहीं होता है, लेकिन अभी भी हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है। यह है झोपड़ी, यह बहुत पहले का कोई शौचालय बना था, निष्प्रयोग हो गया है। तो यह मैं यहाँ की हकीकत दिखा रहा था आप सभी को, जो जमीनी हकीकत है उसका एहसास करा रहा था कि इस तरह से गाँव में विकास पहुँचा है। और इतने लोग तो एक साथ झूठ नहीं बोलेंगे, लोग कह भी रहे हैं कि हमारे घर चलिए, और घर तो ऐसे ही है जैसे मड़ई झोपड़ी है। अब इसमें जाने का रास्ता कहाँ से होगा? ये इसमें क्या रखा गया है, इसमें भूसा रखा गया है और इसको ऐसे बंद किया गया है। देखिए है, वाह, दरवाजा देख लो अब तो का कर ली, टटिया लगा के महल का लिया मन का घर सरन ना अटन को रहे। ए गुरु देखिए है, देखिए दरवाजा है और इसमें भूसा रखा गया है। पशु भी बांधते हैं लोग कभी कभी, इसमें भूसा है पशुओं को खिलाने के लिए। और इसमें कोई सबसे दिक्कत तो इस समय बछड़ों से हो गई है ना, वही लोग तंग करते हैं, इसीलिए यहाँ जो बनाया गया है उन्हीं से रक्षा के लिए यहाँ सोते हैं और उससे रक्षा करते हैं। कुल मिलाकर के मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, गाजीपुर के जिलाधिकारी से, वाराणसी के कमिश्नर से, यहाँ के जो विधायक हैं, पता नहीं क्या करते हैं लोग, क्या सदन में जा करके कौन सी बात करते हैं, कौन से प्रश्न लगाते हैं, किस प्रकार के विकास को जमीन पर लाने की बात करते हैं। हम भैया कोई अलग से कोई बात नहीं कह रहे हैं, हम वही कह रहे हैं जो शासन चाह रहा है। शासन की योजना है सभी को आवास मिले, सभी के घर शौचालय हों, सभी को शुद्ध पानी मिले, सभी ऐसे जो पात्र लोग हैं विधवा वृद्धा विकलांग उन्हें पेंशन मिले, मिल नहीं रहा है। और मिलता तो लोग झूठ क्यों बोलते। मैं पूरी रिपोर्ट तैयार करके गाजीपुर के जिम्मेदार अधिकारियों सहित शासन को संदर्भित करता हूँ। आशा है इन सभी की जांच करा करके इन्हें उन लाभार्थी जो योजनाएं हैं, लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो संविधान के आर्टिकल 21 में सम्मानजनक ढंग से जीने का जो अधिकार प्रदान करता है, उसके तहत जो इन्हें प्रदत्त मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए उसे वह पूरा कराएं, इसका हम अनुरोध करते हैं। आज हम हैं 30 सितंबर 2018 को मलिकपुरा की दलित बस्ती में। धन्यवाद।